अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे आप सब। शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ, सारे हम ठीक हैं। तो जी, सुबह का टाइम है, हमारा नया माइक्रो आया है, वो मैंने आपको दिखाया है। तो उसके बाद जी नाश्ता बना, मतलब कि आटा गूंदा है, कि आटा घर में हो ना गूंदा हुआ तो फिर आराम रहता है। तो बच्चा कोई रोटी शोटी ले चाहते हैं तो फिर फटाफट बंदा बना लेता है। यह माइक्रो का डब्बा है, सारा कुछ पड़ा हुआ है। अभी इधर ही तो छुट्टी थी, तो मैंने बच्चों को ना ऊपर ही कहते हैं नाश्ता करना है, तो मैं बना के उसके लिए ऊपर ही ले आई हूँ। वो रूहान ने रोटी खाई है, मतलब के चने तो मैंने एक दिन पहले पकाए हैं, तो ये आज था ना, तो मैं चने के साथ 100 रुपये के साथ ना रोटी खा लेता है घी वाली, तो वो मैं दी है उसको। फरहान ने अभी दूध पिया है, तो लेटे हुए हैं इधर। अभी सारा कुछ तय करने वाला, बिस्तर वगैरह, तो छुट्टी थी तो आराम से सारे, अभी कोई सोया हुआ है, कोई उठा हुआ है। ये बाहर धूप निकली हुई है, बड़ा अच्छा मौसम था। तो काले चने तो हमने कल पकाए थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले लहसुन लिया है, ज़्यादा सही लेना है, चने में रात को भिगो दिए थे, और 2-3 प्याज ये मैंने काट के रखे, ये कुकर में डाल के ज़रा अच्छी तरह गल जाए ना, तो फिर उसके भूनते वक्त नमक मिर्ची वगैरह सारा कुछ डालती हूँ मैं। तो चने भिगो दिए थे ढेर सारे, जितने चाहिए वो मैंने पका लिए हैं, बाकी फ्रीज कर दिए हैं। तो ये जी सीटी लगा दी है, अच्छी तरह मसाला गल जाता है, तो फिर उसके अंदर डालूंगी चीज़ें। सासन मशीन खाली कर रही हूँ, रात को चलाई थी, तो सुबह के लिए फिर बर्तन तैयार हो गए हैं, ये काम है जी। मसाला गल गया तो पानी ज़रा ज़्यादा ही हो गया था, तो इसके अंदर ना एक दालचीनी और एक मोटी इलायची डालते हैं, जो काली इलायची नहीं होती वो, तो थोड़ा थोड़ा पानी सूख जाए तो फिर नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया जीरा वो ही जो रोज़ डालते हैं। तो 2 मैंने कंदूर चिकन भी डालनी थी, तो बस जी इसको ज़रा भून जाएगा अच्छी तरह। कोई टमाटर दही अदरक कुछ भी नहीं, बस यही आम नॉर्मल जो मिर्ची होती है ना, वो ही हल्दी वो ही नमक वो ही काली मिर्च डाली थी, इस तरह करके ना। जितनी किसी ने डालनी है वो अपने हिसाब से डाल लें, जितने चने हो उतना डाल लें। चूल्हा भी बड़ा गंदा था, साथ साथ भी मैंने वो भी साफ किया है। हर वक्त कोई ना कोई चाय ऊपर गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, तो बस जी साथ साथ आ जाओ। और बाथरूम वगैरह भी धोने थे, साफ करने थे, तो बस जी चने पका दिए, चावल भी बना दिए, तो बच्चे फिर खाते रहेंगे स्कूल से आके आराम से। काले और वाइट चने ना मिक्स करके बनाते हैं, ज़्यादा काले होते हैं, 2-4 बीच में वाइट डाल लेते हैं, पता नहीं इसका मुझे आज तक नहीं समझ आई क्या होता है, लेकिन इधर ऐसे ही चलता है, तो मैंने भी यही काम कर दिया है। जब तक मसाला मेरा तैयार होता है, मैं कपड़े धोने की मशीन भी चलाई हूँ, तो ये जे देखें अच्छी तरह मसाला भून जाएगा ना अच्छी तरह, ये थोड़ा ऑयल आ जाएगा, तो फिर चने डालने हैं। थोड़ा पानी होता है इधर उधर चक्कर लाएं, एक साइड मैंने चूल्हे की दवाई डाल कर रखी हुई है, तो मुझे था कि बच्चों के आने से पहले खाना तैयार हो जाए। सुबह नाश्ता नहीं ना एक टाइम पे होता हमारे घर, तो फिर सारा काम ही फिर देर से होने लग जाता है। तो अब जी चने डाल दिए मैंने, सूखी मेथी भी मैंने साथ ही डाल दी थी, सारा कुछ पा छड़ा, मेरा दिल ही नहीं करता कुछ करने को ना जब, तो मैं फिर ऐसे ही, तो बस जी मैं कह चना ही है ना, तो बस वो भून भून के फिर अब इनको भूनेंगे इसके साथ ही मसाले के, पके बड़े अच्छे थे। 15-20 मिनट कम से कम मैंने इसको भूना है, जब तक मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही टाइम, जब तक इसका ऑयल ना आ जाए तो फिर पानी डालना है। इस तरह भी अगर गले हो ना चने, तो इस तरह भी खाने के बड़ा मज़ा आता है।
रोज ही समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या पकाए, वो चीज हो जो सारे खा लें। तो ये चने का पानी मैंने इसके अंदर डाला, जिसमें रात को धो के अच्छी तरह ना वॉश करके तो फिर इसको भिगोया था, तो वही पानी मैंने डाला इसके अंदर, जिसको नमक मिर्ची कम लगे वो और डाल लें अपनी मर्जी से। तो बस जी घंटा लगा दिया था मैंने कुकर, पिया पकदा रहे। तो फिर मैंने खोला था, जितना हमें चाहिए था चने बड़ी अच्छी तरह गल गए थे, तो बड़ा मज़ेदार बना था। साथ ही चावल भिगो दिए हैं, तो मैंने आज चावल ना कढ़ाई में पका लिया, किचन हमारा साफ हो गया है। तो चावल मैंने कहा इसी के अंदर बना लेती हूँ, ज़रा ज़्यादा ही बनाने थे कि सारे ही खा लेते हैं। तो बस फिर साफ सफाई कर रहे हैं, बच्चों के आने से पहले बर्तन वगैरह सारे सेट कर दिए, थोड़ा प्याज टमाटर काटा है, सफाई की है, चूल्हा भी साफ कर लिया मैंने आज मसा मसा करके ना, कि चले फिर गंदा होएगा तब देखी जाएगी, आप तो साफ करें ना। ये लें जी चने भी पक गए हैं, जितना मैंने शोरबा रखना होगा वो रख लेंगे, हल्की आंच पे पड़ा रहेगा, तो आते जाएं तो खाते जाएं। बस ये मेरा काम था आज का, धनिया है नहीं था, नहीं तो सब्ज़ धनिया डाले ना तो बड़ा अच्छा लगे, दूल्हा भी देखें साफ सुथरा हो गया है, नहीं तो सब्ज़ धनिया का बड़ा अच्छा मज़ा आता है। मशीन भी खाली हो गई है, भर भी गई है, तो उसके बाद मैंने बाथरूम साफ करने थे, उसके अंदर मैं दवाई डाल के आई थी, तो मेरा खाना बनाने तक ना ये भी सारा, मतलब कि फिर मैं सारा उसको सही तरह साफ किया है अच्छी तरह। तो ये देखें जी मैंने मैट वगैरह डाल के पर्दा शर्दा आगे करके, तो कितना प्यारा हो गया है। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना भी ख्याल रखें मेरा भी रखें, तो बस ये इंजॉय करें और मेरा बाथरूम देखें कितना सोहना लग रहा है। ओके जी, खुदा हाफिज़।